स्प्रेड ट्रेडिंग के बारे में आज आपको लाइव डेमो दिखा रहे हैं। स्प्रेड ट्रेडिंग, जैसे कि आप समझते हैं कि एक ऐसा टेक्निक जिसमें हम वन साइडेड रिस्क नहीं लेते हैं, हम जनरली टू साइड रिस्क लेते हैं, लेकिन फिर भी काफी अच्छी एक्यूरेसी हम देख पाते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि प्रॉफिट बनाने के बावजूद भी हम नहीं बना पाते हैं। तो आज थोड़ा डिटेल समझेंगे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कितनी लगानी है ये समझेंगे, टेक्निक में थोड़ा बहुत डिटेलिंग करेंगे आज। जनरली कैसे स्प्रेड का टारगेट लगाया जाता है, कैसे बुक करा जाता है स्प्रेड, ये थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं आज। तो इसमें हम आज आपको गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर से भी कुछ ट्रेड्स दिखाएंगे जो कि स्टॉक्स पे बेस रहेंगे। बाकी हम आपको स्प्रेड ट्रेडिंग के बारे में आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। स्प्रेड ट्रेडिंग, जैसे कि आप जानते हैं, एक ऐसी टेक्निक जो कि एक्सपायरी डे और नॉन एक्सपायरी डे दो दिन हम लोग बनाते हैं। एक्सपायरी डे का मतलब यही है कि उस दिन उस इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी है, और नॉन एक्सपायरी डे का मतलब यह है कि उस दिन उस इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी नहीं है। टेक्निक इंडाइसिस में काम करती है। इंडाइसिस में हमारे पास बैंक एक्स, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स, ये लगभग 5 इंस्ट्रूमेंट हैं। हर दिन कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी डे और नॉन एक्सपायरी डे दोनों में क्या फर्क है, और देखते हैं हम कैसे इसमें ट्रेड बनते हैं, कैसे हम वन साइडेड भी बुक कर सकते हैं ट्रेड, किस कंडीशन में दोनों ट्रेड बुक करने हैं, टारगेट लगाना जरूरी है या स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, ये इस टेक्निक में समझने की कोशिश करते हैं। तो स्प्रेड ट्रेडिंग जैसे हम आपको कई महीनों से दिखाते आ रहे हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी में काफी जबरदस्त सोल्यूशन है। वन साइडेड ना खेला जाए, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। मेरा तो मानना ये है कि इलेक्शन के रिजल्ट जिस दिन आने वाले हैं उस दिन ये टेक्निक बिल्कुल अप्लाई की। मुझे लगता है 1000 पॉइंट ऊपर नीचे स्विंग आना है, किस तरफ का स्विंग आना है ये तो देखो किसी को भी नहीं पता है, और जब ये चीज किसी को भी नहीं पता है तो वन साइडेड खेलने का कोई प्रश्न नहीं है। और मुझे लगता है आजकल मार्केट पिछले 5 से 7 दिनों में बहुत ज्यादा जो है वो वॉलेटाइल हो गई है। पिछले हफ्ते की मार्केट अगर हम देखें तो लगभग अप डाउन काफी रहे मार्केट्स में, बुल्स की बहुत पिटाई रही है पिछले 5 दिन में। हमने मार्केट में एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट देखी है, अनएंटिसिपेटेड गिरावट देखी है, मतलब इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इन स्तरों से हम गिर जाएंगे। सब लोग यही मान के चल रहे थे कि मार्केट्स में तेजी बरकरार रहेगी और हम गिरेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम एक तरफ के सौदे में फंस गए और हम गिरावट की तरफ चले गए। बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेडर्स को बहुत नुकसान हुआ जो बुल ट्रेड में बैठे थे, स्टॉक ट्रेडर्स को बहुत नुकसान हुआ अगर सही ट्रेड उनके पास नहीं था। बट इस गिरावट की मार्केट में भी कुछ ऐसे शेयर हमने निकाले जो कि तेजी में रहे, जिनमें मुनाफा आया, उस पर भी बात करेंगे हम। तो मैं आपको यही सबमिट करना चाह रहा हूं कि स्प्रेड ट्रेडिंग दोस्तों एक कामयाब स्ट्रेटजी है, बस डिसिप्लिन समझ लो। देखो ट्रेडिंग में रिस्क तो हर जगह है, लेकिन स्प्रेड में हम क्योंकि दोनों जगह का ट्रेड लेते हैं तो रिस्क थोड़ा कम है। तो आइए टेक्निक को समझते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे काम करती है टेक्निक। तो सबसे पहले स्प्रेड ट्रेडिंग में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ट्रेड को बनाते हैं। तो स्प्रेड ट्रेडिंग का सबसे पहले देखते हैं ट्रेड कैसे बनाया जाता है। तो स्प्रेड का मतलब कॉल और पुट, एक कॉल और एक पुट, इसको बोलते हैं स्प्रेड। तो दो ट्रेड का कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको हम स्प्रेड बोलते हैं। जनरली कैसे बनाया जाता है, इसमें दो तरीके के स्प्रेड बनते हैं, एक बनता है एक्सपायरी डे स्प्रेड और एक बनता है नॉन एक्सपायरी डे स्प्रेड। एक्सपायरी डे स्प्रेड का मतलब होता है उस दिन उस इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी है, तो ये हो गया कि एक्सपायरी डे स्प्रेड, और दूसरा हो गया नॉन एक्सपायरी डे स्प्रेड। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट एक्सपायरी डे में आते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट नॉन एक्सपायरी डे में आते हैं, ये मैं आपको बताता हूं अभी। तो ये हमारे पास जो लिस्ट है ये एक्सपायरी डे है। मंडे बैंक एक्स, ट्यूजडे फिन निफ्टी, वेनसडे बैंक निफ्टी, थर्सडे निफ्टी, फ्राइडे सेंसेक्स, ये कौन सी लिस्ट है, एक्सपायरी डे। तो यहाँ पे हम एक्सपायरी डे के ट्रेड देख रहे हैं, मतलब अगर आपको मंडे ट्रेड करना हो तो आपको बाय डिफॉल्ट जो एक्सपायरी ट्रेड मिलने वाला है वो बैंक एक्स का ही है। लेकिन अगर आप सोचो कि आप मंडे ट्रेड कर रहे हो लेकिन आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो, मंडे आप ट्रेड कर रहे हो लेकिन बैंक निफ्टी में कर रहे हो, इसका मतलब मंडे अगर आप ट्रेड बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो आपका मंडे जो ट्रेड बोला जाएगा वो नॉन एक्सपायरी डे होगा, क्योंकि एक्सपायरी डे बैंक निफ्टी की बुधवार होती है। तो ये एक्सपायरी डे का हमने आपको चार्ट लगा दिया। बाकी किसी भी दिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया जा सकता है, उसको हम नॉन एक्सपायरी डे बोलते हैं।
तो आई बिलीव एक्सपायरी डे और नॉन एक्सपायरी डे आपको समझ में आ गया होगा। 5 दिन एक्सपायरी के निश्चित हैं, नॉन एक्सपायरी डे किसी भी दिन कोई भी ट्रेड, बट ज्यादातर नॉन एक्सपायरी डे हम ज्यादातर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स लेते हैं। इसका रीजन है कि लगभग ये तो हमें मालूम है कि एक्सपायरी डे वाले दिन इन इन इंस्ट्रूमेंट में मुझे मालूम है कि मंडे बैंक एक्स में मूवमेंट आएगी, फिर निफ्टी में ट्यूसडे आएगी, बैंक निफ्टी में वेनसडे आएगी, लेकिन इनमें से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रोज मूवमेंट देता है, वो है बैंक निफ्टी। तो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का नॉन एक्सपायरी डे ट्रेड रोज लेंगे। फर्क क्या होता है नॉन एक्सपायरी डे ट्रेड लेने का, क्या घाटा होता है नॉन एक्सपायरी डे? देखो, एक्सपायरी डे ट्रेड लेने का फायदा यही है कि लो कॉस्ट होता है इसकी, इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है। नॉन एक्सपायरी डे में कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लगती है, बस यही फर्क है। अगर आप मंडे को बैंक निफ्टी ट्रेड करोगे तो आपकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लगेगी, बस यही फर्क है, कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लगेगी। बाकी अगर आप मंडे बैंक एक्स में ट्रेड करोगे, यानी कि अगर आप वेनसडे बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे तो वो एक्सपायरी डे हो जाएगा, उस दिन थोड़ी आपकी कॉस्ट कम लगेगी। लेकिन अगर आप वेनसडे निफ्टी में ट्रेड करोगे, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे होती है, तो आपके लिए वो नॉन एक्सपायरी हो जाएगा। फर्क सिर्फ यही है कि नॉन एक्सपायरी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अब कितना एक्सपेंसिव होता है ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो कितना एक्सपेंसिव होता है ये वाला ट्रेड, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं एक स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम कुछ रूल समझ लेते हैं, फिर आपको एक वाकई बड़ी अच्छी चीज दिखाएंगे आज, जिससे आपको काफी क्लियरिटी बनेगी। तो नॉन एक्सपायरी डे और एक्सपायरी डे, राइट? और ज्यादातर हम देखो, ज्यादातर इस तरीके से हम समझ सकते हैं भाई, एक्सपायरी डे वाले दिन ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट लगती है वो 400 से 1200 रुपए एक लॉट में लगती है, अगर वो एक्सपायरी डे ट्रेड है। नॉन एक्सपायरी डे में वही इन्वेस्टमेंट बढ़ के 5 से 15 हजार हो जाती है, तो कई गुना बढ़ जाती है। फर्क सिर्फ यही, कौन सी सेफ है? ऑब्वियसली नॉन एक्सपायरी डे सेफ है, क्योंकि उसमें सेम डे निकलने का झंझट नहीं है। एक्सपायरी डे में सेम डे ही मुनाफे आने हैं, अगले 1 घंटे में ही आने हैं। एक्सपायरी डे में क्योंकि एक्सपायरी होती है सेम इंस्ट्रूमेंट की, तो सेम डे ही आपको प्रॉफिट या लॉसेस बुक करने हैं। नॉन एक्सपायरी डे में हमें 1-2 दिन की वेट, अगर सेम यानी कि एग्जिट टिल प्रॉफिट, सेम डे मुनाफा नहीं आया तो अगले दिन भी निकल सकते हो, ठीक है? ये ध्यान रखना है। स्प्रेड की खास बात, छोटा मुनाफा बड़ा प्रॉफिट कैसे संभव है ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल संभव है, छोटा लॉस ही आएगा बड़ा मुनाफा ही आएगा, इसमें ऐसा नहीं होता कि बड़ा लॉस आ जाए बड़ा मुनाफा आ जाए। छोटा लॉस, लॉस आप खुद निश्चित कीजिए, लॉस आप खुद निश्चित कीजिए कि इतना लॉस मुझे लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। 500 का लॉस लेना है तो 500 का लॉस लीजिए, और रिटर्न कितनी ज्यादा आ सकती है, लगभग काफी गुना, कई गुना आ सकती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम इस तरीके से समझेंगे कैसे ट्रेड बनता है। इस तरीके से बनता है, एक तरफ हम बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, तो ये बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल दे रहे हैं खाली, बाकी ये 5 इंडाइसिस में बनेगा। कोई भी इंडाइसिस हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, या बैंक निफ्टी हो, एक तरफ बैंक निफ्टी की कॉल खरीदते हैं, साथ में बैंक निफ्टी की पुट। इस तरीके से ट्रेड सेटअप ज्यादातर बनता है, ठीक है? इसको अब हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ 5 रूल दिखा देता हूं। सबसे पहला रूल यही है कि अगर आपको स्प्रेड लेना है तो सबसे खास बात यही है कि आपको दोनों तरफ टारगेट लगाना जरूरी है। ये सबसे पहला रूल, दोनों तरफ टारगेट लगाना अनिवार्य है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, अगर आप स्प्रेड ले रहे हैं दोनों तरफ टारगेट लगेगा, कॉल और पुट दोनों तरफ, ये मैंडेटरी है। जो लोग नहीं लगाएंगे मुनाफा नहीं आ सकता, किसी भी हालत में नहीं आ सकता। यानी कि कॉल और पुट आप जिस भी भाव पे ले रहे हैं उसमें दोनों तरफ आपको मुनाफा लगाना है। वो कितना मुनाफा लगाना है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, देखो ये एक इकलौता ट्रेड है जिसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। डरना नहीं है, थोड़ी हिम्मत करके चलना है, ठीक है ना? स्टॉप लॉस मत लगाइए, छोड़ दीजिए ट्रेड, ठीक है? ट्रेड हमेशा मार्केट ऑर्डर पे लेना है, लिमिट ऑर्डर पे ट्रेड आएगा नहीं, इसलिए मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करना है। चौथा, प्रॉफिट आते ही दोनों ट्रेड एक साथ बुक कर लेने हैं। अगर प्रॉफिट दोनों ट्रेड में, कैसे वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। एक ट्रेड में मुनाफा आएगा, एक ट्रेड में लॉस आएगा, नेट मुनाफा आएगा। मान लो 12 हजार प्रॉफिट कमाया, 6 हजार का लॉस है, तो 6 हजार नेट प्रॉफिट आया, ठीक है? लॉस तो अपने लॉस को जो है, मतलब जो आपको लॉस का ट्रेड दिख रहा है उससे प्यार मत कीजिए, उसको भी साथ में काटिए। दोनों ट्रेड को लगभग एक साथ बुक करना है, ठीक है? और ये सबसे खास बात है, इसको मैं भी आपको थोड़ा, ये हमने आज नई चीज आपको दिखाने के लिए सेशन रखा है। यानी कि किस हालत में हमें एक ट्रेड बुक करना चाहिए, किस हालत में दोनों ट्रेड बुक करने चाहिए। अगर प्रीमियम किसी भी तरफ का कॉल या पुट का 70% से ज्यादा घट जाए तो उसको मत। अगर आपका ट्रेड किसी भी तरफ 70% से ज्यादा घट जाए तो आपको बुक नहीं करना है, राइट? इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको आपके एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा।
क्वेश्चन भेजते रहें, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे जवाब दूंगा आपके क्वेश्चन, मैं देख रहा हूँ। विकास गर्ग आपका क्वेश्चन देख लिया है, जब आप देते रहेंगे थोड़ी देर में, सेशन के बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने क्वेश्चन भेजते रहिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ज्यादातर हम क्यों ये वो बात कर रहे हैं कि आपको प्रीमियम अगर 70% घट जाए तो आपको ट्रेड बुक नहीं करना है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लाइव एग्जांपल ही है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास यही है कि देखो रोज एक फिक्स क्वांटिटी में ट्रेड करो। ठीक है, फिक्स क्वांटिटी मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स लॉट मत करो कभी, फिक्स इन्वेस्टमेंट करो, लॉट फिक्स नहीं करना है। तो अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ कैसे ये काम करना है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं रोज 10 लॉट लूंगा, इन्वेस्टमेंट चाहे घटती बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होता है, आपको इन्वेस्टमेंट सेम रखनी है, लॉट्स भले घटते बढ़ते रहे। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल अब देता हूँ कैसे ये काम करेगा टेक्निक। फिक्स अमाउंट कैसे लगाया जाएगा, राइट, फिक्स अमाउंट कैसे लगाया जाएगा, आइए इसको हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये एग्जाम्पल में हम 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट है, लॉट साइज 15 शेयर का है, इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये लगा रहे हैं, कॉल का भाव 50 रुपये है, पुट का भाव 50 रुपये है, कॉस्ट बैठती है 1,500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 लॉट आएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप 5,000 रुपये लगाते हैं और आपकी कॉल और पुट 50 रुपये में मिलती है आपको, तो आपकी जो कॉस्ट बैठती है वो 1,500 रुपये बैठती है, तो यहाँ से आपको जो है 3 लॉट ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट फिक्स है। अब देखो इन्वेस्टमेंट फिक्स होते लॉट कैसे बदल जाते हैं, अगर मान लो इन्वेस्टमेंट फिक्स है और मेरी कॉल और पुट की जो मैंने यहाँ मान लो 80 रुपये और 90 रुपये कर दी, तो यहाँ आप देखो आपकी कॉस्ट बढ़ गई 2,550 रुपये, अब यहाँ पे आपके 2 लॉट आ रहे हैं। तो यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट फिक्स है, लेकिन जिस हिसाब से कॉल और पुट का प्रीमियम आएगा वो आपकी क्वांटिटी डिसाइड करेगा, ना कि आपके लॉट्स क्वांटिटी। कई लोग क्या है, लॉट्स डिसाइड करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको 5,000 में कम लॉट भी मिलते हैं। अगर मान लो यहाँ पे प्रीमियम 350 रुपये हो गया किसी तरह के, मान लो एक कॉल बनी जिसमें 350 रुपये पे, यहाँ पे तो आपको एक ही लॉट लेना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट 99 रुपये आ गई है एक लॉट की। यहीं पे अगर प्रीमियम 20 रुपये कर दिया जाए तो यहाँ पे अब आपके 8 लॉट आ जाते हैं। देखो सेम इन्वेस्टमेंट में लॉट बदल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमने स्प्रेड में कितना प्रीमियम चुना है, तो जितना भी प्रीमियम हमने चुना है उसके हिसाब से लॉट्स बदलते जा रहे हैं, राइट। तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। तो आपको हमेशा क्वांटिटी डिसाइड करनी नहीं है, आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट डिसाइड करनी है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डिसाइडेड है तो आपको लॉट अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर रियल ट्रेड में मैं आपको बोलता हूँ भाई 35 रुपये का प्रीमियम कॉल का बैंक निफ्टी का खरीदना है, 35 रुपये का पुट का प्रीमियम खरीदना है, तो ऑफकोर्स आपके लॉट कितने निकल के आ गए, 5। तो यहाँ पे आप देखो आपके लॉट्स निकलते आते जा रहे हैं अपने, यहाँ पे आपको लॉट्स दिखाई देते रहेंगे अपने। तो आपके प्रीमियम कितना है उसके हिसाब से, इन्वेस्टमेंट मेरी फिक्स है, इन्वेस्टमेंट मेरी जो है लगभग 5,000 के करीब ही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेरी देखो 5,000 के करीब है, लेकिन फिक्स इन्वेस्टमेंट में मेरे लॉट बदलते जा रहे हैं। क्यों बदलते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने जो है प्रीमियम चेंज किया है। अगर यहीं पे मैं 60 रुपये का प्रीमियम लेता हूं तो मेरे लॉट 3 हो जाते हैं, और यहीं पे अगर मैं 10 रुपये का प्रीमियम लेता हूं तो मेरे लॉट 17 हो जाते हैं। तो देखो लॉट बदलते जा रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह कि इन्वेस्टमेंट फिक्स है, 5,000 की इन्वेस्टमेंट फिक्स है, लॉट भले ही बदलते चले जाएं, इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करना, लॉट्स अपने आप चेंज हो जाएंगे प्रीमियम के अकॉर्डिंगली, जितनी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट हम आपको बता देते हैं भाई क्या कॉस्ट आती है इस केस में। ठीक है ना, तो एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं आपको फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के केस में, सेम इन्वेस्टमेंट के केस में, सेम इन्वेस्टमेंट है दोनों में, और यहां से आप चेक करो, देखो सेम इन्वेस्टमेंट पे हमने बैंक निफ्टी में भी 5,000 रुपये लगाए हैं, फिन निफ्टी में भी 5,000 लगाए हैं। ठीक है, दोनों में लॉट फर्क आ रहा है, मतलब अगर मैं बैंक निफ्टी का ट्रेड लूं तो मेरे को मिलते हैं 3 लॉट, और अगर मैं फिन निफ्टी का ट्रेड लूं तो मेरे को मिलते हैं 1 लॉट। इन्वेस्टमेंट फिक्स 5,000, दोनों तरफ इन्वेस्टमेंट फिक्स है, ऐसा क्यों हो रहा है, लॉट साइज की वजह से भी हो सकता है, प्रीमियम की वजह से भी। तो बट यहाँ पे इस एग्जाम्पल में प्रीमियम की वजह से नहीं है, लॉट साइज की वजह से है, क्योंकि 50 शेयर का लॉट साइज बैंक निफ्टी
15 शेयर का लॉट साइज बैंक निफ्टी का है और 40 शेयर का लॉट फिर निफ्टी का है। इन्वेस्टमेंट फिक्स है, इन्वेस्टमेंट जो है वो मात्र 5,000 ही है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। तो इस एग्जाम्पल को देख के हमें क्या पता लगा है कि हमें निश्चित इन्वेस्टमेंट रोज लगानी है, निश्चित लॉट नहीं लगाना है, लॉट हमेशा जो है वेरिएट करते चले जाने। अगर मान लो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा लें उससे लॉट बढ़ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फिक्स रख रहे हो कि 5,000 ही लगाने हैं तो फिर कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझा देगा। अब मान लो 5,000 की इन्वेस्टमेंट फिक्स है दोनों तरफ, इस तरफ भी 5,000 है, इस तरफ भी 5,000 है, दोनों की इन्वेस्टमेंट फिक्स है। मान लो मैं एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लेता हूँ जिसमें 100 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, तो मेरे को कॉस्ट बैठ रही, इसमें मेरे को 2 लॉट मिल रहे, इसमें मेरे को कितने कितने लॉट मिल रहे हैं, 2 लॉट, ठीक है। राइट के एग्जाम्पल में इन्वेस्टमेंट वही 5,000 रुपए के करीब है, लेकिन मेरा जो प्रीमियम है मान लो वो 100 रुपए आ जाता है फिर निफ्टी में, तो मेरे जो लॉट बैठ गए वो एक आ गया। वैसे इतना ज्यादा बैठता नहीं है, मान लो मैंने इसको कम कर दिया 30 रुपए के आसपास, तो यहाँ पे 3 लॉट आ गए, यानी कि फिन निफ्टी में 3 लॉट देखने को मिल रहे हैं, बैंक निफ्टी में 2 लॉट देखने को मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सेम है। कॉल और पुट का प्रीमियम दोनों मिला के लॉट साइज से गुणा करके लॉट कितने आते हैं वो कैलकुलेट किया जा सकता है फिक्स कैपिटल के ऊपर, ठीक है। अब हम आपको लेके चलते हैं फिलहाल स्प्रेड बनता कैसे, इसके बाद दिखाऊंगा कि आपको निकलना कैसे, एग्जिट, वो बहुत जरूरी है, वो आज हम पहले बार कवर कर रहे हैं तो वो जरूर देख के जाइएगा। तो ये आपको समझ में आ गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी कुछ परफॉर्मेंस, मंथली परफॉर्मेंस की तरफ। ये 10 बिल्कुल रिसेंट परफॉर्मेंस हमारे पास दिखती हुई, इसमें पूरा हफ्ता लगभग, कल का फ्राइडे का दिन अगर छोड़ दें, सेंसेक्स में बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं देखने को मिला, लगभग बाकी सारे दिन मुनाफे की तरफ रहे, लगभग हमने अच्छा स्प्रेड में प्रॉफिट कमाया। मार्केट में कितनी भी उथल पुथल रही हो रोज कोई ना कोई प्रॉफिट हमें देखने को मिला, तो लगभग पूरा हफ्ता ग्रीन रहा। उससे अगला हफ्ता तो 2 मई को तो सेंसेक्स ने लगभग 4,000% की रिटर्न दे दी और 29 अप्रैल को बैंकेक्स ने 4,000% की रिटर्न दे दी। यहाँ पे तो कमाल देखने को मिला इन 2 दिन, तो ये 2 दिन तो दोस्तों बहुत कमाल के थे हमारे पास। 2 मई और 29 अप्रैल, 2 मई और 29 अप्रैल को 4,000% का, मतलब आप समझते हैं अगर आपने 5,000 रुपये लगाए होते तो 5,000 रुपये का 4,000% कितना होता है, 2 लाख रुपए, 5,000 के 2 लाख रुपए, इतना बड़ा उछाल देखने को मिला हमें प्रीमियम में, प्रॉफिट में इतना बड़ा उछाल देखने को मिला। तो ये लगभग हमारे कुछ स्टैट्स पूरे महीने के, अप्रैल टू मई के पूरे स्टैट्स आप देखें तो लगभग आपको हरे निशान ज्यादा दिखेंगे, लाल निशान कम दिखेंगे, लाल निशान भी हैं लेकिन हरे निशान ज्यादा हैं, इससे लाल निशान इतने ज्यादा दिख नहीं रहे हैं। तो लगभग हमारे टोटल ट्रेड रहे 52, टोटल ट्रेड रहे 52, 10 दिन नुकसान रहा, 32 दिन मुनाफा रहा, ठीक है। ये हमारा टोटल स्टैट रहा स्प्रेड में पिछले 52 दिन का। तो लगभग हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक फिक्स इन्वेस्टमेंट लगानी है, ठीक है। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब आप समझ गए। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट लगाने का मतलब ये है कि ट्रेड आपको कैसे बनाना है, तो आइए जैसे रूल मैंने आपको बता दिए इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो एक स्प्रेड लेके चलते हैं, आपको कैसे दिखता है स्प्रेड, है ये सब लाइव स्प्रेड ही। तो यहाँ पे आप देखिए 10 मई का स्प्रेड है, इसमें सेंसेक्स का स्प्रेड है। अब क्या स्प्रेड बोल रहा है वो थोड़ा समझ लीजिए तरीके से। एक तरफ 73,500 की कॉल ऑप्शन जो है 25 रुपए पे खरीदनी है, 71,500 की पुट ऑप्शन 25 रुपए पे खरीदनी है, तो ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम अपने एक्सेल में भी फीड कर सकते हैं, तो हमें प्रीमियम भी पता लग जाएगा उस समय कि हमें कितना प्रीमियम पे करना है, कितने लॉट हमें, तो 25-25 रुपए का प्रीमियम है। तो आइए इस एग्जाम्पल में हम इसको ले चलते हैं, जो एग्जाम्पल हमने आपके सामने भी रखा था। इससे हमें क्या पता लग जाएगा, इससे हमें लॉट साइज पता लग जाएंगे, राइट, इससे हमें थोड़े लॉट साइज पता लग जाएंगे कि हमें कितने लॉट लेने चाहिए थे इस समय के हिसाब से। तो ये हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, इस एग्जाम्पल में आइए चलते हैं और ये यही पुट कर देते हैं, वही जो हमने अभी आपको दिखाया था 73,000। तो यहाँ पे हम क्या इंस्ट्रूमेंट क्या ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट देख लो क्या ले रहे हैं, सेंसेक्स, ठीक है, 73,500, 71,500। तो यहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट बदल दो, सेंसेक्स, लॉट साइज सेंसेक्स का 10 शेयर का है, इन्वेस्टमेंट वही 5,000 है, हमारा प्रीमियम कितना था यहाँ पे लगभग 25 रुपए, तो एक तरफ 25 रुपए दूसरी तरफ 25 रुपए, तो लॉट कितने आ गए गिनती के 10, ठीक है, इजी है।
इस केस में 10 लॉट लेने चाहिए थे। इन्वेस्टमेंट फिक्स है हमेशा, अब वो 5 फिक्स करनी है 5 फिक्स कर लो, 2 फिक्स करनी है 2। यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट 2 फिक्स कर दूँ तो लॉट 4 हो जाएंगे अपने आप बदल के, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट आप 10,000 कर दो तो यहाँ पे 20 लॉट हो जाएंगे। तो अभी मैं 5,000 को बेंचमार्क लेके चल कि रोज हम 5,000 रुपये लगा रहे हैं। इस स्प्रेड में जो मैंने अभी आपको दिखाया है इसमें 10 लॉट मिलेंगे, राइट। अब 25 रुपये पे कॉल खरीदी है और आपने 25 रुपये पे पुट खरीदी है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम चलते हैं इसमें मुनाफा कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को राइटली पुट करते हैं, देखो। तो ये हम स्प्रेड क्या ले रहे हैं, सेंसेक्स का, ठीक है। ये सेंसेक्स का स्प्रेड है, इसमें 10 लॉट की, इसमें क्वांटिटी हमने 10 लॉट भर दी क्योंकि 10 लॉट निकल के आ गए हैं हमारे पास, क्योंकि हमें 10 लॉट मिलेंगे, 10 शेयर का 1 लॉट है, तो यहाँ पे 100 100 क्वांटिटी हमें मिलेगी। कॉल हमें मिल रही है यहाँ पे 25 रुपए पे और पुट भी हमें मिल रही है 25 रुपए पे, राइट, ठीक है। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, देखो कॉल का भाव बदल के 25 से 48 हो गया, इधर 25 से 10 हो गया। तो इसको देखो पुट कर लेते हैं, इधर कॉल बढ़ के हो गई 25 से 48, इधर हो गया 25 से 10, ठीक है। तो आपको टोटल देखो कैलकुलेट कितना, सी में आपको 2300 रुपये मिल रहे थे, पी में 1500 का नुकसान आ रहा था, नेट प्रॉफिट 800 का आ रहा है। इस एग्जाम्पल में हमें ये देखने को मिला, हम 23 रुपये बढ़ गए हैं पुट की तरफ, कॉल की तरफ 15 रुपये घट गए हैं कॉल की तरफ। इस एग्जाम्पल में हम डाल के ये देखो, इसमें हम लॉट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे आएगा। तो अगर प्रीमियम दोनों तरफ का तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे खास बात लिखी थी इस सौदे में, अगर ये आप ध्यान दे के देखो, इस सौदे में हमने खास बात लिखी है कि भैया पहले कॉल बुक कर लो बाद में पुट बुक, ये हमने खास बात लिखी है। देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आज सी में पहले प्रॉफिट बुक कर लो फिर पी में बाद में प्रॉफिट, ठीक है। आज दोनों तरफ मुनाफा आ सकता है, तो ये कब करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो दोनों में सेम टाइम मुनाफा बुक करना चाहिए, लेकिन ये चीज थोड़ी समझनी है कि दोनों में हमें अलग अलग प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, तो वो मैंने आपको रूल अभी बताना है, ठीक है। इस एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं, ठीक है। एक और रियल रियल के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, 10 मई से निकल के हम चलते हैं हमारा 9 मई के ऊपर, ठीक है। ये 9 मई के ऊपर चल रहे हैं हम, ये बैंक निफ्टी का हमारा रियल स्प्रेड है, 48,100 की पुट है, 48,200 की कॉल है, ठीक है। कितने रुपए का प्रीमियम है, 400 360, ठीक है, एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। तो बैंक निफ्टी, तो सबसे पहले हम लॉट कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे, ठीक है। सबसे पहले हम लॉट कैलकुलेट कर रहे थे, तो लॉट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ इन्वेस्टमेंट फिक्स करके चलते हैं, लॉट साइज हमारा 15 है, ठीक है। प्रीमियम लगा लो कितना आ रहा है, 400 360, 400 360, ठीक है ना जी। तो लगभग आपका 5,000 रुपये में तो एक भी लॉट नहीं आएगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हमारी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पे 5,000 रुपये में एक भी लॉट नहीं आएगा। मान लो अगर मैं यहाँ 15,000 की इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ तो अब मुझे एक लॉट यहाँ पे खरीदने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या पता लगा कि हमें एक लॉट ही मिलेगा क्योंकि कॉस्ट 11,400 की बैठ रही है, ठीक है। अब क्या हमें करना है, ये प्रॉफिट कैसे बनाए, देखो 400 का भाव हो गया 586, इस एग्जाम्पल में आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे कितने लॉट आ रहा है, एक, ठीक है, लॉट एक ही आ रहा है। सी का भाव कितना था, सी का भाव कितना है, 400 और 386, 400 इधर पुट कर लो और 400 और 386, 400 और 360, ठीक है। 400 का भाव हो जाता है लगभग 586 और यहाँ भाव हो जाता है 300, ठीक है। एक लॉट में हमें कितना मुनाफा देखने को मिला, 126, इधर हम 186 रुपये बढ़ गए, इधर हम 60 रुपये कट गए। अब हम यहीं पे कर देते हैं 10 लॉट, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं 20 लॉट, यही। तो डिपेंड, जितने हिसाब से आप लॉट बढ़ाते रहोगे उतने हिसाब से प्रॉफिट आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अब आपको ये समझना है कि हमें कब एक बुक करना है कब दोनों, जब आपको लगे आपका नेट प्रॉफिट टोटल मुनाफे में आ रहा है, एक तरफ नुकसान आ रहा है, एक तरफ देखो हमेशा सी और पी में एक तरफ ऐसे ही रहेगा, एक तरफ मुनाफा आएगा एक तरफ नुकसान रहेगा, कब आपको दोनों एक साथ बुक कर लेने चाहिए, कब आपको एक रोक लेना चाहिए, कब आपको दूसरा, या कब आपको दोनों बुक करना चाहिए, इसको समझ लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो इस तरीके से समझो। इस एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल में ये 50 रुपये पे हमने कॉल बाय की है और 50 रुपये पे हमने पुट बाय की है, तो ये हमारा बेंचमार्क है। 50 रुपये पे हमने कॉल बाय की है, 50 रुपये पे पुट बाय की है,
अब 50 रुपए की कॉल जो है वो सीधी हो जाती है 150, यानी कि यहाँ पे हम 100 रुपए पड़ गए, राइट। और यहाँ पुट के केस में हम 40 रुपए घट गए, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में क्या हमें एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए, दोनों प्रॉफिट? देखो, मैंने आपको बताया, अगर किसी भी कॉल का प्रीमियम 70% से ज्यादा घट जाता है तो आपको एक साइड बुक करनी चाहिए, यानी कि आपको इधर वाली साइड बुक करनी चाहिए, ये वाली। इधर वाली साइड में तो कुछ बचा ही अब नहीं है, 50 रुपए में से आप 40 रुपए गवा चुके हो, मात्र 10 रुपए रह गए हैं, तो इसको छोड़ दो, हो सकता है ये भी मुनाफे में आ जाए। तो क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा गल चुका है इस केस में, तो आपको ये वाला तो मुनाफे पे बुक कर लेना चाहिए, ये वाला छोड़ देना चाहिए, नेकेड छोड़ देना चाहिए, इसको बुक नहीं करना चाहिए। कई लोग इसको भी बुक कर लेते हैं, होता क्या है बाद में, यही सौदा जो 50 पे होता है ये वापस 50 पहुंच जाता है, तो क्या होता है, ये भी प्रॉफिट पे आ गया, ये भी प्रॉफिट में आ गया। इस केस में हमें एक को कब बुक करना है, जब उसका प्रीमियम उतना घट जाए जितना मैक्सिमम अब घटने के लिए और ना बचा। एक और एग्जांपल देखो, इस केस में आप देखो, इस केस में प्रीमियम दोनों सेम थे, कॉलर पुट का 50 रुपए हमने खरीदा था, 50 रुपए बेचा था, यहाँ पे हम 50 रुपए से 100 बढ़ गए, यहाँ पे हम 50 से मात्र 20 ही घटे, हम ज्यादा नहीं घटे, यहाँ पे हम 100 बढ़े, यहाँ पे हम 20 घटे, तो यहाँ पे क्या है, दोनों को एक साथ बुक करना है, क्योंकि अभी भी इसमें 30 रुपए बाकी हैं, तो इतना नहीं घटा कि हमें इसको होल्ड कर लेना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रीमियम इतना घट गया है दूसरी तरफ का, जो हमने फ्राइडे देखा है, फ्राइडे में एक तरफ का प्रीमियम काफी घट गया, राइट, तो जितना प्रीमियम घटा है उसके हिसाब से जो है हमें कब दोनों बुक करने चाहिए, कब हमें एक बुक करना चाहिए, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल में समझ लो, इसमें हम एक तरफ 50 के 100 हो गए, इसमें 50 के 45 हो गए, तो एक तरफ इसमें आपको दोनों बुक करने पड़ेंगे एक साथ, क्योंकि प्रीमियम कोई भी इतना नहीं घटा कि जिसको आप खाली छोड़ दो, तो ये आपको बड़ा ही ध्यान रख के काम करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ लो कि जैसे ये देखो, मान लो आपने आपने 50 रुपए पे कॉलर पुट खरीदी, अगर वो 25 रुपए आ गई है तो एग्जिट कर लो, अगर वो 10 आ गई है तो छोड़ दो, ये एग्जाम्पल। आधी हो गई तो रुक जाओ, आधी से ज्यादा घट गई तो रोक दो, मतलब उसको बुक मत करो, उसको दूसरी तरफ बुक करो, दूसरी साइड बुक कर लो उसकी, दूसरी मतलब जो साइड मुनाफे में आ रही है, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल में देखो आप, तो मान लो आपने कोई चीज 200 रुपए पे खरीदी, 350 गई बुक कर लो, 250 गई बुक कर लो, 100 गई रहने दो, क्योंकि अब आप काफी घट गए हो। अगर आप इतने घट चुके हो कि उससे ज्यादा आप बहुत ज्यादा घटने के लिए नहीं है, तो आप उसमें प्रीमियम को खुला भी छोड़ सकते हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या समझा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल जरूर है, लेकिन हमने सबसे पहले देखो, इस एग्जांपल से हमने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि फिक्स क्वांटिटी ही ट्रेड करनी है, सबसे पहले फिक्स क्वांटिटी ट्रेड करनी, ठीक है। फिक्स क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट फिक्स रहेगी, तभी फिक्स क्वांटिटी ट्रेड होगी। तो लाइव एग्जांपल आपके सामने कुछ ले रहे हैं, जिससे हमें प्रीमियम कैलकुलेशन में मदद मिलती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं लगभग, ये देखो यही वाला एग्जांपल है, ये देखो बैंक निफ्टी का जो मैंने आपको दिखाया है 8 मई का। 8 मई के एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि 25 रुपए की कॉल है, 25 रुपए की पुट है, 25 का भाव हो जाता है 55, 25 का हो जाता है 14, ठीक है। तो इसको डाल के देख ले, 25 का 55, 25 का 14, एक तरफ हम इधर चलते हैं और हम इधर इसको डाल के चेक करते हैं प्रॉफिट कितना आएगा इसमें। एक तरफ हम यहाँ पे लेते हैं 10 लॉट और एक तरफ हम यहाँ लेते हैं 25, दोनों तरफ कॉल और पुट तरफ हम 25 लेते हैं, 25 का भाव कितना हो जाता है, एक तरफ 25 का भाव 55 और 25 का भाव 14। अब आप मुझे ये सोच के बताओ कि आपको दोनों साइड बुक करनी चाहिए या आपको एक साइड बुक करनी चाहिए, ये आपको सोच के बताना है कि आपको एक साइड बुक करनी चाहिए, आपको दोनों साइड बुक करनी चाहिए। एक तरफ आप 4500 के मुनाफे में, उत्तर 1650 के घाटे में, नेट प्रॉफिट 2850 है, ठीक है ना। एक तरफ आप 30 पॉइंट बढ़ गए हो, एक तरफ 11 पॉइंट घट गए हो, अभी भी आपके पास लगभग 25 से 14, यानी कि प्रीमियम में अभी या लगभग आपका 50% भी नहीं घटा है, तो दोनों बुक कर लेने चाहिए साथ में, राइट। तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, हम लगभग एक तरफ अगर जरा सा भी बढ़ जाए तब भी मुनाफा आ जाता है। तो अगर सोचो हम यहाँ से 25 से 40 भी हुए हैं तो भी हम कमा के निकल रहे हैं, देख लो कितना छोटे डिफरेंस में भी कमा के निकल रहे हैं, मतलब एक तरफ अगर हम मात्र 15 पॉइंट बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ 11 पॉइंट गिर रहे हैं, फिर भी हम कमा के निकल रहे हैं।
अगर ये बहुत बड़ा एक तरफ जंप आ जाए, मान लो एक तरफ हम 25 से 100 चले जाएं, और ये कभी कभी पता है कितना चला जाता है, 25 से 400, 25 से 400, 25 से 400, 400, ये कभी कभी इतना इतना जंप भी कर जाता है। इधर तो लिमिटेड साइड है घटने की, इधर तो आप ज्यादा घट नहीं सकते, कितना घट जाओगे जीरो, आप ज्यादा से ज्यादा 3 पे आ जाओगे, इतना ही तो आ जाओगे, तब भी 52,000 रुपए आ रहे हैं। देखो इस तरफ में, अभी से इस एग्जाम्पल में एक तरफ हम 375 रुपए बढ़ गए हैं, दूसरी तरफ 22 रुपए घट गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ का प्रीमियम बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इस केस में 56,250 को बुक करना चाहिए, 3,300 लॉस को खड़े रहना चाहिए, हो सकता है ये भी आपको 10,000 रुपए दे जाए, क्योंकि प्रीमियम यहाँ देखो 25 का 3 आ गया है। इस केस में हमें होल्ड करना चाहिए, पुट को होल्ड करना चाहिए, कॉल को काटना चाहिए, सिंगल टाइप का सौदा। अगर प्रीमियम आपका 25 का 15 आ जाता है तो फिर आपको दोनों बुक कर लेने चाहिए, लेकिन ये चीज आपको समझनी है, अगर दोनों सौदे तब बुक कर लो जब प्रीमियम काफी, लॉस वाला जो आपका सौदा चल रहा है उसमें प्रीमियम काफी है, तो ये चीज हमें थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगर ये प्रीमियम मात्र 2 से 3, 4, 5 रुपए आए, कितना घटना चाहिए, 70% से नीचे, अगर 70% से नीचे घट जाता है तो आपको इसको नहीं बुक करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, खाली सिर्फ प्रॉफिट वाले को बुक कर लेना चाहिए। कई बार लोग क्या कर रहे हैं, दोनों टाइप बुक कर रहे हैं, नहीं कोई जरूरत, इसमें लॉस ज्यादा होना ही नहीं है, खत्म हो चुका है, तो इसमें रिस्क लो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये वापस 50 रुपए पहुंच, हो सकता है कभी देखो, हो सकता है ये भी वापस आ जाए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोनों में मुनाफा आ जाए, एक तरफ आपने कॉल बुक कर ली 56,000 रुपए में, दूसरी तरफ 37,50 आपको पुट भी दे जाए, इसीलिए उसको बुक करने की जरूरत नहीं है, उसका प्रीमियम जो है वो जितना भी घट रहा है, अगर वो 70% से ज्यादा घट रहा है तो आपको बुक करने की जरूरत नहीं। तो इसको समझने के लिए देखो ये एग्जाम्पल देखा आपने, एक तरफ 55, ये तो रियल है, चलो स्टैट, एक तरफ हम 55 आ गए हैं, दूसरी तरफ हम 14 आ गए हैं, ये रियल एग्जाम्पल है हमारे पास। और इस एग्जाम्पल में आप देखो इस तरीके से हम एक तरफ 7,800 पे आ रहे हैं, अब देखो यहाँ पे गलती क्या कर दी, यहाँ पे गलती ये कर दी इस ट्रेडर ने कि ये प्रीमियम 9 आ गया था, इसको बुक करने की जरूरत नहीं थी, इसको खाली छोड़ देते, इसको बुक कर लेते 7,800 को बुक कर लेते, इसको खाली छोड़ देते तो क्या होता, हो सकता है ये भी लॉस कम हो जाता, लेकिन ये दोनों बुक कर लिए, वो ठीक है, अगर आपको नेट मुनाफा दिख रहा है तो आप दोनों भी काट के टेंशन मुक्त हो सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है मेरा प्रीमियम बहुत घट गया है तो उस तरह आप एक को बुक कर लो, दूसरे को खुला छोड़ दो, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल में ये 7 मई का एग्जाम्पल है, इसमें 240 रुपए का भाव हो गया, तो 350, यहाँ यहाँ पे हम कितना घटे, यहाँ पे हम बढ़े हैं 110 रुपए, घट गए हैं 40 रुपए, तो यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल में क्या प्रॉफिट आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, एक तरफ हम 5,300, लेकिन यहाँ पे दोनों काटने जरूरी हैं, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे हम 240 से 350 गए, इसको तो बुक करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 240 से मात्र 200, यानी कि अभी भी 200 रुपए घट रहे हैं, तो इसको भी बुक करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अगर आप इसको नहीं बुक करोगे तो ये नीचे वाला जो प्रीमियम है और घट जाएगा, तो आपको क्योंकि इसमें अभी 70% की गिरावट नहीं आई है, तो इस केस में दोनों बुक करने चाहिए, जहां पे लॉस का प्रीमियम 70% से ज्यादा घट जाए उसमें खुला छोड़, इस एग्जाम्पल को समझो, यहाँ पे 70 रुपए का भाव 158 हो गया, 70 का भाव 35 हो गया, एक तरफ हम 50% घट गए, दूसरी तरफ हम 50% बढ़ गए, ठीक है, कितने पॉइंट बढ़ गए, वहां पे हम ज्यादा बढ़े हैं, ऑफकोर्स 80 पॉइंट बढ़े हैं, वहां पे 35 पॉइंट घटे हैं, इस एग्जाम्पल में भी कितना प्रॉफिट आया देखो, इस एग्जाम्पल में एक तरफ आया 5,200, एक तरफ 2,600 का नुकसान आया है, ठीक है ना, और दोनों एक साथ बुक कर लिए गए हैं, क्योंकि तो दोनों एक साथ बुक करने में आप कम से कम और प्रीमियम लूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी प्रीमियम इतना घटा ही नहीं है, 3 मई का प्रीमियम देख लेते हैं 45 रुपए का, यहाँ पे आप 45 रुपए के आ गए 225, यहाँ अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ट्रेडर ने दोनों प्रीमियम अगर बुक कर लिए तो उसने मिस्टेक कर दी भाई, एक तरफ आप 45 का चला गए 225, कितने आप कितने गुना बढ़ गए, 600 गुना, इसको बुक करने की क्या जरूरत थी, ये वाला बुक कर लेते, ये वाला खुला छोड़ देते, तो क्या होता इससे, आप दोनों तरफ मुनाफे में आ सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ मात्र 30 रुपए और बुक कर सकते थे, वहां पे आपने 190 पॉइंट कमाए हुए हैं, तो 45 का 225, 45 का 30, एग्जाम्पल में पुट करते हैं 45 का 225, 45 का 30, तो लॉट ले लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सेंसेक्स है, 10 लॉट ले लेते हैं, 100 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम 45 और 45, ठीक है, तो यहाँ पे हम 45 पे कहाँ पहुंचे हैं, 45 पे पहुंचे हैं 225 पे, तो हम 180 पॉइंट बढ़े हैं, यहाँ पे 45 पे पहुंचे हैं 30, ठीक है, तो हमें कितने मिल रहे हैं, 16,500। अब ये सुनो एग्जाम्पल, अगर ये वाला हम
18,000 को बुक कर लेते हैं और ये 1,500 को माइनस को खुला छोड़ देते हैं, और क्या होता ज्यादा से ज्यादा, ये मात्र 2 ही आ जाता नीचे, तो भी हम मुनाफे पे रहते। हम एक्चुअली में अगर प्रीमियम फिर भी तो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी थी ये वापस 45 आ सकता था, क्योंकि अगर आप इसको तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में पुट को बुक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने कॉल में पहले 180 पॉइंट ले लिए हैं, यहाँ पे 180, यहाँ तो 180 पॉइंट अब जाने ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 30 पॉइंट ही मैक्सिमम जा सकते हैं, तो इसको खुला छोड़ना चाहिए था। कई बार लोग इसको भी बुक करके गलती करते हैं, तो किस एग्जाम्पल में दोनों बुक करने हैं, किस में दोनों बुक नहीं करने हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप एक साइड को खुला छोड़ दोगे और उसमें प्रीमियम उतना ही घट सकता है जितना आप ऑलरेडी पहले कमा, यहाँ पे आप 6 गुना 180 पॉइंट कमा चुके हो, यहाँ पे मैक्सिमम 45 पॉइंट ही तो गवाओगे, तो यहाँ 45 पॉइंट के लिए खुला छोड़ दो ना, इसको 0 होने दो ना, या इसको 0 होने दो या वापस 100 होने दो। कभी कभी ऐसा भी देखा है हमने कि दोनों मुनाफे पे आ जाते हैं, लेकिन उसको एक एक करके बुक करना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल रियल, अब लेकिन ट्रेडर ने क्या किया, देखो ट्रेडर ने क्या किया ये आप समझो, ट्रेडर ने क्या इसको वाकई बुक कर लिया। हाँ देखो ट्रेडर ने इसको बुक कर लिया, ट्रेडर ने दोनों बुक कर लिए एक समय के ऊपर। उसने जो है ये है सेंसेक्स का एग्जाम्पल, तो सेंसेक्स का आपको दिखाते हैं, इसमें मेरे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम आपको एक और एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं, ये है लगभग 3 मई का ही बैंक निफ्टी का। तो 3 मई के बैंक निफ्टी में दो मई में 40 रुपए का 110 हो जाता है, 40 रुपए का 250 है, दोनों तरफ कैसे बढ़ गया, ये इसी तरीके से बढ़ गया जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया। दोनों तरफ भी बढ़ सकते हो आप कभी कभी, आप दोनों तरफ भी कभी कभी बढ़ सकते हो। कैसे बढ़ सकते हो, मैंने आपको बताया ना, एक तरफ अगर आप कोई चीज 40 पे बाय करते हो, ठीक है, कॉल या पुट, क्योंकि इस एग्जाम्पल को सेंसेक्स में या पुट कर लेते हैं, एक तरफ हम दोनों तरफ 40-40 में करते हैं, ठीक है, और अभी हम एग्जाम्पल में इसको 0 मान लेते हैं कि अभी प्रीमियम नहीं बढ़ा है ना घटा है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस आपका 8,000 रुपये आ सकता है, क्योंकि आप 40 रुपये का प्रीमियम खरीदे हो, 40 का पुट खरीदे हो, 40 का कॉल खरीदे हो, 80 रुपये का आपका प्रीमियम है, ठीक है, और आपका 100 का लॉट है, तो आप 8,000 रुपये लूज करते हो अगर ये दोनों तरफ का प्रीमियम, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। मान लो कॉल की तरफ का प्रीमियम 40 से हो जाता है 100, तो 6,000 रुपये आ जाते हैं आपको कॉल की तरफ। पुट का प्रीमियम 40 से हो जाता है 10, ठीक है, आपको इसको बुक करने की जरूरत नहीं है, इसको बुक कर लो, 6,000 रुपये खा जाओ, इसको छोड़ दो, हो सकता है ये वापस 40 का 50 में कट जाए, तो आपका टोटल जो मुनाफा है वो 7,000 रुपये आ जाए। इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो 40 का जब प्रीमियम 10 हो जाएगा तो आप 70% से ज्यादा घट चुके हो, इसको बुक करने की क्या जरूरत है, और इससे ज्यादा आप क्या लूज कर लोगे। अब ये एक दो घंटे वेट कर लोगे, हो सकता है ये प्रीमियम आपका 40 का वापिस 80 पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है, एक तरफ 6,000 कमा गए, एक तरफ 4,000 कमा गए, ऐसा भी पॉसिबल है, ये एग्जाम्पल हम देख पाएंगे, ठीक है ना। अब इस एग्जाम्पल में ट्रेडर ने ऐसे ही किया, इस ट्रेडर ने इसमें जो 100 लॉट का ट्रेड मारा और 1,42,000 कमा गया। 1,42,000 कैसे कमा गया, क्योंकि उसने पहले एक बुक कर लिया, दूसरे का प्रीमियम खत्म हो गया था, दूसरे वाले की वेट कर ली, दूसरा वाला भी मुनाफे में आ गया, टोटल मुनाफा 1,42,250 रुपए के करीब की कमाई देखने को मिली, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ट्रेड कैसे बनेंगे, ट्रेड कैसे लेने हैं, जैसे इस तरीके से ही ट्रेड आपको मिलेंगे, ठीक है। एक्सपायरी डे, नॉन एक्सपायरी डे, आप देख रहे हो इधर का हो गया 22 का 15, इधर हो गया 22 का 67, इसको पुट अप कर ले अपने एग्जाम्पल में, 22 का 15, 22 का 67, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम इसको लॉट फिक्स कर लेते हैं, 15 का लॉट है तो 150 आ जाएंगे 10 शेयर में, 10 लॉट में, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल में दिख रहे हैं प्रीमियम 22 22 रुपए है, सी का प्रीमियम भी 22 है, पुट का प्रीमियम भी 22 है, और पुट की तरफ हम 22 से पहुंचे हैं 67 और इधर पहुंचे हैं 22 से 10, ठीक है, 22 से 15 सॉरी, तो हम घटे हैं 7 रुपए, बढ़े हैं 45 रुपए, ठीक है। हम मैक्सिमम कितना घट सकते हैं, 0, यहां से देख लो करके, मतलब अगर 0 भी हो जाएगा तो भी मुनाफे पे आओगे, तो इसको खुला छोड़ सकते हो, खुला छोड़ सकते हो, आपके पास अब 15 रुपए भी तो हैं घटने के लिए, बस आप ज्यादा तो आप घटे नहीं हो अभी, यहाँ पे आप 45 पहले ही बढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो इस केस में आप यहाँ से 45 की तरफ को बुक, इस वाले को बुक कर लो, इसको खुला छोड़ दो, पी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभी दोनों बुक करो, कभी कभी सिंगल भी बुक करो, जब प्रीमियम 70% से ज्यादा घट जाए तो दोनों बुक कर लो एक साथ,
तो ये तो हो गया दोस्तों स्प्रेड ट्रेडिंग, ठीक है ना। स्प्रेड ट्रेडिंग कैसे कराई जाएगी, सुबह लाइव क्लास में कराई जाएगी। लाइव क्लास में आपके सामने लाइव बनाएंगे, सुबह 9:10 से 9:45 पे ये लाइव क्लास बनाई जाएगी, और इस पे आप स्प्रेड ट्रेडिंग देखो हमें करते हुए, ठीक है। और इसका आपको रजिस्ट्रेशन करना हो, इसके बाद चलते हैं स्टॉक के, ठीक है। स्टॉक कैसे बनते हैं, स्टॉक भी हम दिखाएंगे आपको। इसके लिए आप जाके स्टॉक एशिया में जाके रजिस्ट्रेशन करो, अपना वेबसाइट है stockasia.in, इसके ऊपर आप जाओ अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। 2 हफ्ते का पेड ट्रायल लेना है जिन लोगों ने, stockasia.in ये है वेबसाइट का नाम। सामने स्कैनर भी लगा हुआ है, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से ले लो। 5,000 रुपये का 2 हफ्ते का हमारा पेड ट्रायल है, यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो पेड ट्रायल ले लो, जो पहले कर चुके हो वो रेगुलर प्रोग्राम ले लो, ठीक है। तो ये हमारा लगभग पेड ट्रायल का 2 हफ्ते का कोर्स, जिसमें 10 स्प्रेड होंगे एक्सपायरी डे के, और 10 ही स्प्रेड होंगे नॉन एक्सपायरी डे के। 20 स्प्रेड हो गए, और लगभग कुछ स्टॉक ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे आपको। तो ये तो हो गया हमारा स्प्रेड का। अब चलते हैं स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर। तो स्टॉक के ऊपर आप देखो स्टॉक ट्रेड कैसे बनता है, ठीक है। स्टॉक ट्रेड बनाने के लिए गोल्डमैन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप गोल्डमैन सॉफ्टवेयर में लगभग स्टॉक हर स्टॉक जो है वो सबसे पहले बताता है। वो मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसने वाकई सबसे पहले ही बताया स्टॉक है, सबसे लेट बताया। देखो एग्जांपल टीवीएस में, अब क्या बताता है गोल्डमाइन सॉफ्टवेयर, हर स्टॉक का आपके सामने प्रिडिक्शन रखता है कि भाई इसका ट्रेंड क्या है, सिग्नल बाई की तरफ है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ देख रहे हो, 3 पैरामीटर आपके सामने हर स्टॉक पे लगेंगे, ये गोल्डमाइन सॉफ्टवेयर आपको दिखाता है सिग्नल स्ट्रेंथ का। उससे आगे आप देखो तो आपके सामने तीनों के स्टैट भी लगे मिलेंगे। तो स्टैट क्या क्या लगे हुए हैं, सिग्नल आपका बाई है, कंफर्मेशन स्ट्रेंथ गुड है, कंफर्मेशन यस है। यानी कि टीवीएस मोटर में ऊपर का ट्रेंड है, स्ट्रेंथ भी बहुत जबरदस्त है, कंफर्मेशन भी उस सिग्नल की बहुत अच्छी है। कितना मुनाफा बनाया इस ट्रेड में, 8,000 रुपये, यही टीवीएस मोटर का ट्रेड, ठीक है ना। इसी स्क्रीनशॉट पे मारा गया, इसी पैरामीटर पे मारा गया, गोल्डमैन सॉफ्टवेयर ने आपको लगभग बढ़ने से पहले ही बता दिया होगा, तभी तो इतना मुनाफा आया है। 2123 रुपए के भाव पे बता दिया था, भैया यहाँ से बढ़ेगा स्टॉक। वो मैं आपको लाइव भी कुछ स्टॉक दिखाएंगे जिनमें आप चाल देख के आपको अच्छा लगेगा कि ये वाकई सही समय पे बता देते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो, सिग्नल बाई, स्ट्रेंथ गुड, कंफर्मेशन यस, ठीक है। कितना मुनाफा आया इस स्टॉक में, 12,270, ठीक है। फिर क्या, गोदरेज प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ सिग्नल बाई, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग, कंफर्मेशन यस, तीनों पैरामीटर हमारे फेवर में उस स्टॉक के केस में। कितना मुनाफा आया, 64,000, गोदरेज प्रॉपर्टी 64,000, ठीक है ना। तो सही समय पे ये स्टॉक निकाल के देता है, सही समय पे आपको बताता है। तो आइए चलते हैं कुछ स्टॉक्स आपको सही समय पे, जो गोल्डमाइन सॉफ्टवेयर ने अभी तक स्टॉक दिखाए हैं वो आपको दिखाते हैं कि इसने सही समय पे आपको दिखाए। कौन कौन से स्टॉक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मैं आपको लिस्ट पेश कर देता हूँ। ये स्टॉक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। निफ्टी दिखाऊंगा आपको, बैंक निफ्टी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड टुब्रो, डाबर, दवी स्लैब, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा पावर, डीएलएफ, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसी बैंक, जीएनएफसी, टाइटन, भारती एयरटेल, सीमेंस, रिलायंस। तो ये सारे स्टॉक्स मैं आपको दिखाने जाऊंगा। इसमें हम क्या देखेंगे कि भाई इन स्टॉक्स में इसने सही समय पे बताया या सही समय के बाद बताया। ये लिस्ट, क्या निफ्टी सही समय पर बता दिया इसने कि कहां से गिरेगा या कहां से बढ़ेगा, वो हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। आप इसको रियल रियल स्टैट्स की तरह मानो, और ये स्टॉक्स के ऊपर प्रिडिक्शन गोल्डमाइन सॉफ्टवेयर के अब आपको दिखाने जाएंगे। जो लोग स्टॉक्स पे काम करना चाह रहे हैं उनके लिए ये काफी दमदार प्रपोजल जो है स्टॉक्स के ऊपर आपको देखने को। तो सबसे पहले चलेंगे इंडाइसिस की तरफ, क्या इसने हमें इंडाइसिस पे सही समय पे बता दिया था कि बैंक निफ्टी गिरेगा। अगर इसने हमें सही समय पे बता दिया था तो वो समय क्या था, उस समय क्या कोई सिग्नल बना था, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं, लगभग ये हमारा आ गया गोल्डमैन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टॉक, तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों निफ्टी, ठीक है। अब निफ्टी का जो ट्रेड हमारे सामने बना आ रहा है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। कितने समय पे आपको इसने बता दिया निफ्टी में, आपको इसने कितने भाव पे बताया कि भाई निफ्टी गिरेगा। तो यह है निफ्टी, भाव दिखाता हूं आपको, ये
निफ्टी गिरने से पहले ही बता चुका है कि निफ्टी गिरेगा। ये देखो यहाँ से 22,860 के भाव पे लगभग एक स्प्रेड ट्रेड जनरेट हुआ और वहां से निफ्टी जो है लगातार कितना नीचे आया, 800 पॉइंट। तो निफ्टी में इसने आपको सही समय पे बता दिया कि यहां से निफ्टी अब गिरेगा। अब इस पे बिलीव किसी ने किया नहीं किया वो दूसरी बात है, पर इसी पॉइंट से निफ्टी इसने सेल का ट्रेंड आपको बता दिया तो इस पॉइंट से निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी और मिली भी। अगर यहां से किसी ने ट्रेड शॉर्ट बना लिया होता तो काफी दमदार प्रॉफिट उसको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बाइंग की तरफ ही चल रहा है, उससे पहले आपको 22,400 से इसने अप ट्रेंड भी दिखाया था कि भाई यहाँ से तेजी पकड़ेगा, तो वहां से वो तेजी पकड़ा भी, फिर इसने यहाँ से मंदी दिखाई, यहाँ से मंदी भी पकड़ा। तो अगर आप इसको रिजिडली फॉलो कर लो ना, देखो निफ्टी में मैं आपको पिछले 2-3 ट्रेड दिखाता हूँ यहाँ से, तो आपको पता लग जाएगा। पहले इसने यहाँ से बोला गिरेगा, निफ्टी गिरा कितना, 700-800 पॉइंट, फिर यहाँ से बोला बढ़ेगा, फिर बढ़ा, फिर यहाँ से बोला गिरेगा, गिरा। तो निफ्टी काफी दमदार सिग्नल देखने को मिला निफ्टी में। अगर कोई इसको ब्लाइंडली फॉलो कर ले बिना किसी सोच विचार के, बिना ये सोचे समझे, फंडामेंटल लेवल ना देखते हुए या इलेक्शन का पक्ष ना देखते हुए, तो काफी अच्छा सिग्नल बैंक निफ्टी में हमें यहाँ से देखने को मिला। ठीक है, ये है निफ्टी। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी इसने हमें इस भाव से दिखा दिया गिरावट। क्या भाव था? 49,000। तो लगभग यहाँ से बैंक निफ्टी भी 1,500 पॉइंट गिर चुका है। सिग्नल पहले पहले यहां से अप ट्रेंड बनाया था तो अप ट्रेंड आ गया था। ठीक है ना, तो लगभग ट्रेंड की सही पहचान सही समय पे ये कर लेता है। ठीक है, ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसी भाव पे बता दिया था यहां से बढ़ेगा। भाव था लगभग 2236, वहां से स्टॉक जो है बढ़ना शुरू हो गया, सही समय पे बढ़ना शुरू हो गया। तो लिस्ट हमारे पास तैयार है, इसमें काफी कुछ तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने अपने सेशन पे कवर भी किए थे, आपको भी पिछले इस बार दिखाया था स्टॉक का नाम है मैरिको। ये मैंने आपको 500 रुपए के भाव पे बता दिया था, भैया भर लो ये स्टॉक, क्योंकि गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर ने प्रिडिक्शन दे दी है बाइंग की, और स्टॉक यहाँ से देख लो 500-600 रुपए भाग गया है। ये मात्र पिछले 15 दिनों की बात है, एम पैटर्न सपोर्ट पे मैंने आपको मैरिको बताया था, यहीं से देख के बताया था कि भैया यहाँ से M 500 के नीचे नहीं जाएगा किसी भी हालत में, बेस फॉर्मेशन बना रहा है। गोल्ड माइन ने भी यहाँ से बताया 600 रुपए की चाल है, 100 रुपए की चाल आ चुकी है इस समय। ठीक है ना, अब आपको कुछ और दिखाता हूँ स्टॉक, लार्सन एंड टुब्रो LT, किस भाव पे इसने आपको बताया कि भैया गिरेगा? 4,045 रुपए। 4,045 रुपए के भाव पे इसने देखो यहाँ पे भी आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, गिरावट आएगी। अभी का भाव क्या चल रहा है? 3,596, 3,586, 3,645 रुपए से बताया हुआ कि स्टॉक गिरेगा, और वहीं से धमाधम धमधम करके स्टॉक गिरा। तो लास्ट स्टॉक की लिस्ट बहुत लंबी है। अडानी, अडानी को किस भाव पे इसने बताया कि बढ़ेगा या गिरेगा? देखो अडानी देख लेते हैं। अडानी देखो, अडानी को 3,088 के भाव पे बताया हुआ कि गिरेगा, ये देखो यहाँ से गिर ही रहे, लगभग 2,800 रुपए आ गया, 200 रुपए गिर चुका है अडानी यहाँ से। सही भाव पे इसने आपको प्रिडिक्शन दे दी। अगर स्टॉक में आप इसकी प्रिडिक्शन फॉलो कर लो ना सही समय पे, तो आपको बहुत पैसे मिले। लेकिन वही बात है, हम प्रिडिक्शन को फॉलो कब तब करते हैं जब स्टॉक ऑलरेडी ऊपर भाग चुका होता है या ऑलरेडी नीचे गिर चुका होता है। अब क्या हो रहा है कि लोगों ने 22,800 पे तो निफ्टी शॉर्ट करने की सोची नहीं, अब दुनिया जरूर सोच रही है 22,100 के आसपास की, अब यहां से और गिर जाएगी। ठीक है ना, तो अगर आपको जीतना है ना, तो आपको सही समय की एंट्री चाहिए। सही समय की एंट्री आपको गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर इन सारे स्टॉक्स में दे रहा है। आप कोई भी स्टॉक यहाँ से देखोगे तो आपको जबरदस्त एंट्री देखने को मिले, कईयों में तो बहुत बड़े बड़े मूव है। मैरिको ये देखो, मैरिको में इसने इन्होंने इसने आपको 6,512 रुपए पे बता दिया है जी स्टॉक यहाँ से भाग, स्टॉक छू गया 602, 512 से 600, 1,250 शेयर का, 100 रुपए बढ़, 1,25,000 रुपए का मुनाफा, सोचो। और जिस भाव पे बाइंग बन रही है वहां से नीचे भी नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां से नीचे जा रहा है, बिल्कुल वहीं से लगातार ऊपर 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 ऊपर, जिस भाव से आपको उसने बताया है कि यहाँ से बाइंग बनेगी वहीं से वो बाइंग स्टैंड भी कर रही है, उसके नीचे भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, एक लास्ट सौदा और दिखाते हैं, सीमंस। तो क्या गोल्ड में भी बताया, कई लोग पूछ रहे हैं। बिल्कुल, अब देखो कई लोग पूछ रहे हैं क्या इसने गोल्ड में बताया था कि गोल्ड इतना बढ़ जाएगा? हाँ जी, आप गोल्ड देखो, कमोडिटी देखो, आप ये देखो कमोडिटी, कमोडिटी आपको किस भाव पे बताई है इसने बढ़ेगी? 66,000 रुपए से गोल्ड इसने आपको बोला जी बढ़ेगा, कहाँ तक गया गोल्ड? 73-74 हजार रुपए। फिर इसने आपको बोला 52,000 से थोड़ा गिरेगा जी, गिरा गोल्ड। फिर अब इसने बोला अब 70,000 से वापस बढ़ेगा, लो जी वापस 72,700।
हर भाव से आपको बता रहा है इस समय गोल्ड में क्या प्रोडक्शन है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, ठीक है, तेजी, ताबड़तोड़ तेजी, गोल्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमसे ताबड़तोड़ तेजी के साथ इसमें हम अप ट्रेंड देख रहे हैं। तो स्प्रेड ट्रेडिंग में हमें इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, हमें जो एनालिसिस करना है वो करना है मात्र स्टॉक्स में, क्योंकि तो स्प्रेड में तो हम दोनों तरफ के सौदे ले रहे हैं तो इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है किसी भी तरफ जाए। स्टॉक में क्योंकि हम सिंगल सौदा लेते हैं तो हमें इस टाइप की एनालिसिस करनी पड़ती है, राइट। तो ये स्टॉक में भी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है और कमोडिटी में भी काम कर रहा है। बाकी जिसको स्प्रेड करना है छोटे कैपिटल के लिए वो स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है, स्टॉक एशिया पे जाइए, प्लान अपना देख लीजिए, वहां से रजिस्टर कर लीजिए। 5 डेज का जो प्लान है, 2 हफ्ते का प्लान 5,000 रुपये का है, बाकी फिर हमारा रेगुलर प्लान है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। जो पहले 2 हफ्ते ले चुके हैं उनके लिए वो बाकी प्लान खुलेंगे, फर्स्ट टाइमर के लिए 2 हफ्ते का प्लान है, उसको आप जाके स्टॉक एशिया पर रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। और अगर कोई इंक्वायरी करना चाह रहा है हमारे से तो हमारे साथ जुड़ सकता है, हमारे साथ इंक्वायरी कर सकता है, इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9818611297। तो मंडे मिलते हैं दोस्तों लाइव सेशन में अपने मॉर्निंग 9:10, स्प्रेड और स्टॉक ऑप्शंस। बाकी इलेक्शन का नेक्स्ट डे मत भूलना, इलेक्शन वाले दिन जिस दिन रिजल्ट आने हैं स्प्रेड बनाना ही बनाना है, 10,000 रुपये का बनाना है, 10,000 के या तो 2 लाख बनेंगे या 10 के 5 रह जाएंगे, मुझे लगता है 10 के 2 दोनों तरफ बनेंगे, 2-2 लाख रुपए। तो इसकी मुझे पूरी उम्मीद है, स्प्रेड को उस दिन नहीं मिस